हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी की साइंस की बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बिकॉज दीज आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। सो द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोब्स। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन सूक्ष्म जीवों का मनुष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, कुछ हमारे ऊपर अच्छा तो कुछ बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड। मोस्ट माइक्रोब्स आर हार्डी एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। दे आर फाउंड इन द हॉटेस्ट ऑफ डेजर्ट एंड इन द कूलेस्ट आइसी पोलर रीजन। कुछ सूक्ष्म जीव स्लीप और के दरारों में रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव खारे पानी में, नम भूमि में, इवन कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्डी बिकॉज दे फॉर्म अ हार्डी आउटर कवरिंग कॉल्ड अ सिस्ट अराउंड देमसेल्फ। दे डू दिस व्हेन कंडीशन आर नॉट फेवरेबल सच एज अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस। दे सर्वाइव बाय रिमेनिंग इनएक्टिव विद इन द सिस्ट एंड अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल अगेन। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। दीज आर एज फॉलोस। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड एल्गी, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ वायरसेस। इनमें से सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर अमोंग द सिंपलेस्ट एंड वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल एंड इन बॉडीज ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। बैक्टीरिया आर फाउंड इन थ्री डिफरेंट शेप्स, रोड शेप्स, स्फेरिकल शेप्स एंड स्पाइरल शेप्स। हमारा जो दूसरा सूक्ष्म जीव है वह है एल्गी। द टर्म एल्गी रिफर्स टू सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल। दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव नो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी लिव इन वाटर, इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड सी वाटर। सम एल्गी आर फाउंड इन स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग्स। दे आल्सो ग्रो इन मॉइस्ट सेल्स, मॉइस्ट सॉइल्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक सरफेस। एल्गी कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। हमारा जो अगला सूक्ष्म जीव है वह है प्रोटोजोआ। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर होते हैं। दे कैन मूव प्लेस टू प्लेस, दे कैप्चर एंड ईट फूड। सम प्रोटोजोआ लिव्स इन फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, अदर लिव्स इन सॉइल। सम आर पैरासाइट्स, दे लिव्स इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। Examples of protozoas are paramecium and amoeba. हमारा जो next microbes है वो है fungi. Fungi, plant-like organism that do not contain chlorophyll are called fungi. इसमें chlorophyll नहीं पाया जाता है। Fungi में भी unicellular और multicellular. Yeast are unicellular and wet mold is multicellular. So fungi are present everywhere. From desert to very cold region, they grow best in dark, warm, moist places. हमारा जो अगला माइक्रोब्स है वह है वायरसेस। वायरस आर स्मॉलर देन एनी नॉन सेल। दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप
टू ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म और वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्स। जब वायरस किसी मनुष्य के शरीर में एंटर करता है तभी यह रिप्रोडक्शन कर सकता है, एबल टू रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल टोबैको वायरस, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट रिगार्ड्स वायरस एज अ लाइक लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग।